See, grand finale hai aaj Savvy Mrs. India ka, and I'm very excited and I'm really, really looking forward to the event. Okay, sir, and especially being called as a judge for the finale, I think that's very, very interesting. Okay, sir, judging ki baat kare to kya criteria rehne wale, kaun se basis pe judge karenge? Dekho, there are lot of factors. One, ye bada commendable baat hai ki, you know, we have a contest called Mrs. India. I think there are a lot of things apart from beauty. I would say beauty and brains go together, and for me, beauty and brains, a combination is always, you know, when you post questions, आप questions बोलो पूछोगे, उस वक्त उनके दिमाग में क्या आता है और वो क्या reply करते हैं, that's very important to me. But all in all, I'm really looking forward to the event. नहीं नहीं, वो मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ. उस पर अगर मैंने अभी बता दिया तो आपको पहले ही पता लग जाएगा. हर प्लेटफॉर्म जो अलग अलग होता है उसको अलग अंदाज से मैं अप्रोच करता हूँ. दिस इज़ नॉट अ सिंगिंग कॉन्टेस्ट, दिस इज़ अबाउट मिसेज इंडिया, दिस इज़ अबाउट अ वुमन, एंड आई बिलीव ऑलवेज हैज़ अ नेवर से डाई एटीट्यूड. मैं इनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड आई थिंक जब मैं जज करूँगा, आई कीप ऑल द फैक्टर्स इन माइंड. शी इज़ रनिंग अ हाउस, शी इज़ विद अ हस्बैंड, शी इज़ गॉट चिल्ड्रेन, बट शी इज़ ऑल्सो परस्यूइंग हर ड्रीम्स. बहुत सी चीज़ें हैं, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी टू बी हियर एज अ जज. Savvy, the name itself is very savvy, very stylish, and Savvy always thinks everything out of the box. So I wish Savvy all the best for completing 35 years and many, many more glorious years to come. Thank you. Brother. Okay, so Siddharth sir, aaj finale hai Mrs. India ka. Kitne excited hai aur kya aap judging panel ke members? तो मैं होस्ट कर रहा हूँ सैवी मिसेस इंडिया 2019. और बहुत अच्छी बात यह है कि मैरिड वुमेन यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं और वो पहली बार स्टेज पर चलने वाले हैं, बोलने वाले हैं. महिलाएं यानी नारी शक्ति जो मैरिड वुमेन हैं, कुछ लोग आर्किटेक्ट्स हैं, कुछ लोग शेफ्स हैं, कुछ लोग बिजनेस वुमेन हैं, कुछ लोग इनक्रेडिबल होम मेकर्स हैं. वो लोग अपने ड्रीम्स एस्पिरेशंस को फॉलो कर रहे हैं और सैवी मिसेज इंडिया 2019 उन वेमेन को अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है. और जैसे हम कहते हैं, नारी शक्ति इस वक्त इंडिया में सुप्रीम पावर है, उनके सामने कोई नहीं. हम लोग बहुत कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये महिलाएँ पहली बार ऑडियंस के सामने आएंगी. सो वी आर सो प्राउड ऑफ देम. एंड ऑफकोर्स मैं होस्ट कर रहा हूँ तो उनसे बातचीत करूँगा, थोड़ी बहुत बदमाशी करूँगा स्टेज पे, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करूँगा और आई शपथ ट्रेंड करवाऊँगा. ओके, लास्टली एनी मैसेज यू लाइक टू गिव टू ऑल द कंटेस्टेंट्स? मैं यही कहना चाहूँगा यार कि फियरलेस रहिए. ये मत सोचिए कि ऑडियंस में कितने दिग्गज बैठे हुए हैं, ये मत सोचिए कि लोग आपको जज करने वाले हैं. खुश रहिए जिस तरीके से आप घर में रहती हैं, जिस तरीके से आप अपने काम में रहती हैं, बिल्कुल वैसे रहिए. आउटकम मत सोचिए, फियरलेस रहिए, दिल से बोलिए, खुश रहिए, बाकी सब फिट और फाइन हो जाएगा. थैंक यू. ओके उग्र सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. या वेरी लॉन्ग टाइम. ओके सर, टुडे द फिनाले ऑफ मिसेस इंडिया, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द फिनाले? आई एम हैप्पी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग अ मिसेस इंडिया. People feel that after marriage life stops, but you know, this is the growth independent women, and I'm really happy that I'm a part of this evening. Okay, so today you are going to judge, so what will be the criteria of the judge? I think the overall personality, the way they project themselves, the way they speak, their thoughts, a little bit of how they've maintained themselves, and just the way their outlook towards life. Always, Savvy's done always a great job. It's a legacy on its own. It's got its own lineage. It's a very, very big brand, and I'm happy that I could associate with Savvy. Okay, so very soon you're moving to Mumbai.
I'm happy 3 weeks more for the film and I'm done. So any further, go watch Mike, please. 19 July. Okay, so any comment you which is unique or which touch your heart? No, just when you see the film, you'll realize what the meaning of this film is all about. Okay, lastly, any message you'd like to give to all the contestants? Yeah, good luck. Stay strong, be positive, and may the best win. Thank you. Thank you. Like how you did yesterday, no? So someone's going to ask me something or what? Yeah, okay, hi, yeah. Sorry. Here. Yeah. Can I keep this on? Thank you. Gosh, I'm so sorry, I need to put this in. Super excited. This has been this is the finale of months of I wouldn't call it hard work, but months of fun work, and it's really wonderful because, you know, right from the time we announced the contest to the ladies participating to the training program happening, it's been like super wonderful. Okay, so today, you are going to judge all the contestants. Are you a member of the panel? I'm not a member of the judging team simply because I'm the editor of Savvy, and I think it just makes sense that, you know, we keep it, that I stay unbiased and stay out of it because I know the participants you know, I've been interacting with them, so I'm much happier having completely, you know, different and unbiased judges who will be on the panel today. Savvy is a magazine for women. It is a magazine which talks about, and not just talks about, but believes in the cause of women empowerment. It's a magazine that always wants to engage with women. And I think engagement and empowerment are, you know, are prime focus. Okay, lastly, ma'am, any message you'd like to give to all the contestants? Yeah, I wish them all super fun today. See, they've all really worked hard to be where they are, and I just want them to have lots of fun on the stage because I think this should be, you know, the agenda should be fun today. And I hope all the girls will, you know, let go of their stress and they'll just enjoy themselves on stage. Thank you, have a pleasure. Thanks so much. Nothing. This is Magna Publishing. Just do one little bite with him. What do I have to talk about? Anything, so he'll just ask you a few questions. Okay. Today is the finale of Mrs. India of Service. So what do you like to say about this, the finale? I think it's a very great idea, and I have to congratulate Andrea, who's the editor of Savvy, who's thought about this idea. So Savvy is always known for the supporting women and for men and other things. So what do you like to say about this Savvy today they've taken the initiative? Sorry, I didn't hear what you said. The Savvy is always known for the women, supporting women, empowerment and other things. So what do you like to say about this Savvy? Well, Savvy has always supported women of substance, and we still are, which is why every other magazine is trailing behind us, and we're number one. So any message you'd like to give to all the contestants who have participated? I wish all of them good luck. Whether they're winners or not, they're winners once they've entered the contest. Okay? Thank you. Let me see some pictures of you. Okay, so ma'am, today is the finale of Mrs. India. Finally, today is going to give the pageant winner. So what would you like to say about the finale? It's a proud moment for me, first of all. And I wish all the women all the best, because it takes a lot of initiative to come on the stage, you know. And I'm sure they're all going to go do the best. So today you have designed all the costume of all the contestants. So what was the thought behind all the individual participants? I wanted to make everybody look like a bride. And that's what my thing was. Because it's an Indian couture. Yeah. Sure, why not? Ma'am, would you like to describe your makeup and I just want something plain and darker shade, so I wore that.
it's a ready to eat sari. Makeup has been done from stars, and I'm thankful to them to make me look beautiful. Okay, Lashi, have any message you'd like to give to all the contestants? I want to wish them all the best. Don't get nervous, and everybody is going to hit the front ramp. So that's it. Thank you so much. Thank you. Okay, sir, aaj finale hai. जी ऑफ कोर्स मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ तो और मुझे पता है कि बाकी लोग सब एक्साइटेड होंगे और देखना चाहेंगे कि कौन विनर बनता है सो आई एम ऑल्सो एंड मैं सबको विश लक भी करना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी विनर बने बट आप लोग सब विनर हैं आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आप लोग सब विनर हैं जी शायद वो मुझे अभी तक पता नहीं है तो अभी जाके अंदर मेरे को पता लगेगा उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि यार ये ऐसी चीज़ें बहुत कम लोग करते हैं और सेवी ये कर रही है तो आई सैल्यूट क्योंकि जब हमारा जो देश है वो और तो वो बहुत कम पहले बढ़ावा देता था लेकिन आज के दिन हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में हमारी लड़कियां जो है वो ऊपर जा रही है चाहे वो गेम्स हो स्टडीज़ हो या कुछ भी हो तो मैं यही कहूँगा कि सेवी जो काम कर रही है वो कमाल का काम कर रही है और मैं कहूँगा कि ऐसी मैगजीन हमारी इंडिया में और भी आनी चाहिए जो ऐसा कमाल का काम बस ऑल द बेस्ट टू ऑल और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग विनर्स हैं ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलरली विनर बनेगा आप सब लोग विनर्स हैं और आप लोगों को देख के बाकी लोग इंस्पायर होते हैं वो आप सब बाकी लोगों के इंस्पिरेशन हैं तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू नमस्कार जी सबसे पहले तो कितने एक्चुअली आज फिनाले हैं मिसेस इंडिया का सेवी जो सपोर्ट कर रहा है जी भारत एक्चुअली बहुत सारी सौंदर्य कला और एक्टिविटीज़ जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं उनका गढ़ है भारत बहुत बड़ा है एक्चुअली भारत अपने आप में ब्रह्मांड है और मेरा जो पहला अवार्ड था उस सीक्वेंस में स्टारडस्ट और मैग्ना पब्लिकेशंस नारी हीरा ये इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन लोगों ने ये बहुत ही अच्छा कैंपेन शुरू किया है भारत में कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो अधूरे रह जाते हैं जो मान लीजिए अपने उस उम्र में पेजेंट नहीं अटेंड कर पाए उनको इन्होंने एक नया वो दिया चांस कि भाई मिसेज सेवी में मिसेज उस इंडिया में आइए आप तो जी उसका ये एक आज फिनाले है पूरे भारत से तो देखिए जिनके ख्वाब दबे हुए थे आज उनका एक ये मौका है उनके लिए और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ देखिए ताज किसी को ही एक को मिलता है जीत का लेकिन ऐसे उत्सवों में ऐसे महोत्सवों में इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना भी अपने आप में एक बहुत खुशी होती है एटलीस्ट आप अपने घर से बाहर निकले अपनी ज़िंदगी का जो कॉन्फिडेंस है उसको आपने देखा नहीं देखिए जज अब मैं तो वकील ही नहीं बना था जज कहाँ से बनूंगा लेकिन हाँ ये है कि मैंने 7-8 रियलिटी शोज़ में जज बने हैं और अभी भी हम लोग अपना एक मेरे बर्थडे पे मैं अपना एक शुरू कर रहा हूँ नई उड़ान जो कि पिछले 2-3 वर्ष से है जिसमें हम नए सिंगर्स को लॉन्च करते हैं तो भारत भर में आज आपके माध्यम से भी हम ये बताते हैं भारत में क्योंकि टैलेंट का भंडार है भारत गुणवत्ता की खान है हमारा देश और दूर दराज के इलाकों में एक से एक टैलेंटेड सिंगर्स छुपे हैं
तो आप लोगों के लिए, आपके हौसलों को हम देंगे नई उड़ान। मेरे जन्मदिन पर हम एक नई उड़ान नाम का इवेंट करते हैं और मैं उसमें नए गायक, नए म्यूजिशियंस को चुनता हूँ अपने खर्चे पर। तो इस बार का 7 जुलाई को है ये नई उड़ान हो रहा है सेंट एंड्रयूज़ ऑडिटोरियम बांद्रा में। देखिए क्वालिटी तो अब मुंबई में है और मैग्ना पब्लिकेशन जो भी करते हैं एक अच्छे ढंग से ही करते हैं, और क्वालिटी तो अपने आप में ये इसलिए है क्योंकि ये नगरी माया नगरी है, ये इवेंट्स का गढ़ है, फिल्म का गढ़ है, तो जो काम होगा ढंग से होगा टेक्निकली। तो बाकी ये है कि जितने भी लोगों की मंशाएं हैं, जितने लोगों की हसरतें हैं, वो यहाँ इस मंच पर आकर पूरी होंगी। थैंक यू, नमस्कार जी। One bite at least. what do you want? Puchho yaar. Today is the finale of Miss India Semi Award. How much? Today is the finale of our beauty pageant, Miss India 2019. So how excited are you for today's finale? I think you got the name wrong. I just renamed the pageant. It's called the Yummy Mummy Pageant. Is that a better name? Mrs. India and all this sort of rubbish. Some of them are not mothers, they're new Mrs. But eventually they all become mothers. Yeah. Otherwise, why would you get married? Okay, so what are the qualities do you see in a Veena? Pardon? What are the qualities do you see in a Veena? Veena? Veena. In a Veena? If it's a yummy mummy thing, then she must be yummy. She must be a mummy. And she must have the grace and the air to carry off the fact that and she has to go to finishing school, and she has to, much more than just a beauty queen, she has to also be a very good hostess, because she has to understand the right wines, she has to understand menus, she has to entertain for her husband, and if he's a businessman, half his business comes to him because of his wife and not because of him. So she's, when they call it the better half, she's always the better half, because she actually helps him not just bringing up the kids, per se, but also in presenting himself in a better light to the world. So the mother or the wife actually has a lot of attributes which they have to actually learn or get through experience or whatever it is. But I don't think this competition actually tests all the things that it takes to be a real yummy mummy. Okay, sir. Finally, lastly, any message like to give? I really admire your bravery for getting married, because it takes a lot of courage nowadays, and to jhelo men, frankly, because most of them are, you know, never as good as the women. And I've always wondered why young ladies get married at a very early age, and I realized because they were young and dumb. As they grow older and smarter, they realize they've made a mistake. Thank you, sir. Have a pleasure in meeting you, sir. Then I'll be trolled. Sorry, it won't happen.